नमस्कार दोस्तों, आयुष स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है बेल्ट्रॉन के लिए, जो बिहार की नई वैकेंसी निकली है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो आज हम लोग जो है सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सेट नंबर 1 का डिस्कशन जो है कर लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल सकेगा। चलिए पहला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वर्क स्टार्ट करते समय किसी वर्ड के नीचे यदि लाल रंग का अंडरलाइन आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो एमएस वर्ड में यदि किसी भी वर्ड के नीचे लाल रंग का अंडरलाइन आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो स्पेलिंग उसमें गलती है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका, वो स्पेलिंग उसमें गलती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। पूछना ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण, तो इसमें से डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी कि डीवी डिस्क को कहा जाता है। ये जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की यूज की जाती है। पूछ रहा है, तो किसी भी स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए यदि आप F5 का प्रेस करते हैं तो स्लाइड स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का जनक जो है विंट सर्फ, ऑप्शन नंबर ए को कहा जाता है। टिम बर्नर्स-ली जो है ये WWW के खोज किए हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक फादर कहा जाता है। और रे टॉमलिंसन को जो है ईमेल के पिता जो है रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक पंक्ति और स्तंभ को मिलते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो जो है एक सेल कहलाते हैं। एमएस एक्सेल में एक पंक्ति और स्तंभ जब मिलते हैं तो उसको सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग में यूएसबी का संक्षिप्त रूप क्या है। तो यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है यूएसबी को। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को बीच में स्टॉप करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो यदि आप ESC ये वाला जो ऑप्शन रहता है इसको आप यदि प्रेस करते हैं तो स्लाइड जो है बीच में ही रुक जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो पूरे कॉलम को हाईलाइट करने का शॉर्टकट यह है Ctrl+Space बार। ऑप्शन नंबर 3, Ctrl+Space बार जब आप प्रेस करते हैं तो पूरा कॉलम जो है हाईलाइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। बोल रहा है नई वर्कबुक बनाने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, Ctrl+N यदि आप प्रेस करिएगा तो नया वर्कबुक बनता है इससे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग जो है अंशों के पृष्ठ के ऊपर या नीचे स्थानांतरित के लिए किया जाता है। बोल रहा है किस टूल का उपयोग जो है अंशों के पृष्ठ को ऊपर या नीचे स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है मूव वाला जो ऑप्शन रहता है उसको प्रेस करिएगा तो ऊपर या नीचे हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट को हिंदी में जो है अंतरजाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3, अंतरजाल कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ALU किसे कहा जाता है। तो ALU का मतलब होता है अंकगणित और तार्किक यूनिट को जो है ALU कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए Ctrl+P जब आप प्रेस करिएगा तो प्रिंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो
तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2019 वर्कशीट में कुल कितने रॉ होते हैं, तो इसमें जो होता है 10,48,576 रॉ एमएस एक्सेल 2019 के वर्कशीट में होता है, इसको भी याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछने की संभावना है इस, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में नई फॉन्ट कैसे जोड़ा जाता है, बोला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2007 में जो है नया फॉन्ट जोड़ने के लिए पूछ रहा है कैसे जोड़ा जाता है। इसको जो है हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाकर इसको जोड़ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाके हम लोग जो है नया फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या लेजर प्रिंटर जो है पेपर को गर्म करता है, पूछ रहा है, हाँ लेजर प्रिंटर जो है पेपर को गर्म करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट द्वारा हम लोग इंटरनेट द्वारा जो है उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या है, तो ये जो है TCP/IP जो है ये जो है इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक संचार प्रोटोकॉल है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पावर पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट 1997 में बनी फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है, पूछ रहा है, तो 1997 में जो पावर पॉइंट था उसका एक्सटेंशन था .ppt, ऑप्शन नंबर बी .ppt उसका एक्सटेंशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में का उपयोग करके डेटा को सॉर्ट किया जा सकता है, किसका उपयोग करके जो बोल रहा है एक्सेल में डाटा को सॉर्ट किया जाता है, तो फिल्टर फंक्शन जो दिया रहता है उसका उपयोग करके आप जो है डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं किस पैराग्राफ की लाइनों के बीच जो है स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, बोला है किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो लाइन स्पेस जो दिया रहता है इसको यदि आप यूज करिएगा तो कोई भी पैराग्राफ की लाइनों के बीच में जो है स्पेस बढ़ जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा लाइन स्पेस का यूज करके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेब डेवलपमेंट भाषा है, वेब डेवलपमेंट भाषा पूछ रहा है, तो इसमें से जो है जावा स्क्रिप्ट जो है एक वेब डेवलपमेंट का भाषा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जा सकता है, बोला है प्रत्येक स्लाइड में जो पावर पॉइंट में हम लोग क्या क्या सेट कर सकते हैं, तो उसमें डेट भी सेट कर सकते हैं, समय को भी सेट कर सकते हैं, स्लाइड नंबर ये भी हम लोग जो है उसमें सेट कर सकते हैं, तो इसमें से जो है सभी सही होगा, हम लोग इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से सभी को सेट कर सकते हैं पावर पॉइंट के प्रत्येक स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है वेब पेज के लिए कोड का उपयोग करके लिखा जाता है, किसका उपयोग करके जो है वेब पेज के कोड को लिखा जाता है, तो इसको जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML का उपयोग करके जो है वेब पेज के कोड को लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर देन का जो चिन्ह दिया हुआ है यह ऑपरेटर का उदाहरण होता है, किसके ऑपरेटर का उदाहरण होता है, तो ये जो है एक लॉजिकल ऑपरेटर का उदाहरण होता है ये, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग के लिए किसको चुना जाता है, तो इसमें जो है रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए इसका उपयोग जो है फुट नोट्स और एंड नोट्स के उपयोग के लिए चुना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की वायरलेस नेटवर्किंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो राउटर जो है इसका उपयोग हम लोग वायरलेस नेटवर्किंग के लिए कंप्यूटर में करते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016 का एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका एक्सटेंशन जो होता है .pptx ऑप्शन नंबर बी
डॉट पी पी टी एक्स जो है 2016 के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को कहते हैं, इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको एक, यह एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, तो हम इसको जो है प्रोग्राम भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन वाक्यों और अक्षरों के साथ साथ चिन्ह, लाइन, शैलियाँ और अन्य ऑब्जेक्ट्स को डॉक्यूमेंट में एक साथ लाने का काम करता है। तो इसमें से जो है ऑप्शन, ऑब्जेक्ट वाला जो ऑप्शन दिया रहता है उसका उपयोग इन सब चीज़ों में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो ये जो है एक प्रकार का एक्सटर्नल मेमोरी होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, फ्लॉपी डिस्क जो है एक प्रकार का एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है ये। अगला क्वेश्चन है, एलिप्स मोशन एक प्री डिफाइंड है क्या है ये, तो ये जो है एक एनिमेशन स्कीम है, एलिप्स मोशन जो है एक प्रकार का एनिमेशन स्कीम होता है जो प्री डिफाइंड होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नेम में आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या लिखा रहता है पूछ रहा है, तो शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नेम में जो है डॉट ई डी यू लिखा हुआ रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में A1, B1 और C1 क्या है, इस पर इसको क्या कहा जाता है, तो ये जो है एक प्रकार का सेल एड्रेस होता है, सेल का एड्रेस A1, B1, C1 इस प्रकार से दिया रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल ऑप्शन MS वर्ड के किस टैब में होता है पूछ रहा है, तो ये जो है इंसर्ट वाले टैब में जो है सिंबल ऑप्शन दिया हुआ रहता है MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार काम करता है, तो ये जो है धारक इंक का उपयोग करके ये काम करता है, ऑप्शन नंबर इसका एक ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को किस स्लाइड में लागू किया जा सकता है, बोल रहा है किसी भी प्रेजेंटेशन में जो है एनिमेशन स्कीम को किस स्लाइड में लागू किया जा सकता है, तो इसमें से जो है ऑल स्लाइड्स, सेलेक्टेड स्लाइड और करंट स्लाइड सभी में हम लोग जो है इसको लागू कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका इस्तेमाल जो है HTML कोड को पढ़ने और उसे वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है, तो वेब ब्राउजर का उपयोग जो है हम लोग HTML कोड को पढ़ने और वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में दो या दो से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो एक्सेल में जो है दो या दो से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कॉनकेटनेट ऑप्शन का यूज हम लोग जो है करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर चार सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डेटा की गति के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो हर्ट्ज का जो है हम लोग उपयोग डेटा की गति के लिए करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकलर करने की कमांड क्या है, तो इसका कमांड जो होता है फॉर्मेट में पहले जाएंगे, फिर पिक्चर में जाएंगे, फिर रिकलर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट किसकी कलेक्शन होती है, तो वेबसाइट जो है HTML डॉक्यूमेंट इसका कलेक्शन होता है, ग्राफिक्स फाइल्स का भी कनेक्शन होता है, ऑडियो और वीडियो फाइल्स का भी कनेक्शन होता है वेबसाइट, तो इसमें से जो है सभी सही है, वेबसाइट जो है जो ऑप्शन में दिया हुआ है सभी का कलेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल रेंज
कि न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को गुणा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? पूछ रहा है न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को गुणा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो प्रोडक्ट ये दिया हुआ था, उस फंक्शन का उपयोग करके हम जो है न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को गुणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है हम लोग सभी चीज़ को शामिल कर सकते हैं, लिस्ट को भी, इमेज को भी और टेबल्स को भी शामिल कर सकते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है किसी सेल में उपस्थित नंबर फॉर्मूला क्या कहलाता है? किसी सेल में उपस्थित नंबर फॉर्मूला क्या कहलाता है पूछ रहा है। तो ये जो है लेबल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में इक्वल टू चिन्ह के साथ शुरू होता है, तो ये जो है फॉर्मूला शुरू होता है। एमएस वर्ड में इक्वल का जो साइन दिया रहता है उससे फॉर्मूला स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कैसे एक टेबल को किसी दस्तावेज में चिपकाया जा सकता है? कैसे एक टेबल को किसी दस्तावेज में चिपकाया जा सकता है? तो इंसर्ट टेबल को का उपयोग करके हम जो है इसको किसी भी दस्तावेज में चिपका सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो सीपीयू का जो है मुख्य घटक होता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही होगा, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में होता है? तो ये जो है स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन जो है फॉर्मेटिंग टूल बार में दिया हुआ रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है वेब डिजाइन में सीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सीएमएस का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में अल्ट प्लस इंटर दबाने पर क्या होता है? एक्सेल में जब आप अल्ट प्लस इंटर दबाइएगा तो स्टार्ट ए न्यू लाइन विथ इन द सेम लाइन, मतलब जो लाइन दिया हुआ रहता है उसका ही सेम लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे एक छवि का आकार बदला जा सकता है ताकि यह विशिष्ट आकार में फिट हो? तो हम लोग जो है रिसाइज इमेज का उपयोग करके जो है किसी भी पिक्चर का आकार को बदल सकते हैं और उसको किसी भी फॉर्मेट में फिट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल अभिव्यक्ति इक्वल फ्लोर्स इनटू 12.6, 10 का मान क्या होता है पूछ रहा है। तो इसका मान जो है 10 होता है। इसको जब आप बैठाइएगा फॉर्मूला पर तो इसका वैल्यू 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा जो है वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट्स बनाने के लिए उपयोग करते हैं? तो पीएचपी प्रोग्रामिंग भाषा जो है इसका हम लोग जो है उपयोग डेटा वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब क्रेवलर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जो है वेब स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु तो किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं फिल्टर को करने के लिए? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल जब आप प्रेस करते हैं एमएस वर्ड में तो जो है फिल्टर जो है सेलों में फिल्टर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है हेडर और फुटर कैसे जोड़े जाते हैं? तो हम लोग जो है इंसर्ट में जाते हैं, उसके बाद हेडर या फुटर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और उससे जो है इसको जोड़ सकते हैं हम लोग, और यहीं से हम लोग जो है इसको हटा भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है पीएचपी का पूरा रूप क्या होता है। तो इसका पूरा रूप होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर पीएचपी का होता है फुल फॉर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन ये भी है, एक्सेल के अंदर करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करते हैं हम लोग। करंट डेट इंसर्ट करने के लिए जो हम लोग इसमें टुडे का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। टुडे वाले सेक्शन पे जब आप जाइएगा तो करंट डेट इंसर्ट हो जाता है एक्सेल के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है चार सही होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि आपको ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आयुष स्टडी टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं सभी वीडियो का पीडीएफ जो है डाल दिया करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।